ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द वेबेट बॉय AKA स्पाइडी। और यार आज हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड अल्ट्रॉन स्टेज 30 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग माई लेवल 80 आयरन मैन, जो कि बहुत ही जल्दी टीयर 4 हो जाएगा। बात करें यार टीम सेटअप की, तो दिस इज़ द टीम फॉर विच वी आर गोइंग। हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं स्टारलॉर्ड का 55% एनर्जी अटैक लीड, साइक्लॉप्स एज अ सपोर्ट क्योंकि उस पर इनसाइट है, एंड Iron Man, of course, Iron Man. So this is the team that we are going with. And by the way, guys, details की बात कर ले तो ये तुम देख सकते हो सारे के सारे details. Every necessary stat is maxed out except the ignore defense. 3% हम कम है ignore defense पे. अराउंड 69,000 एनर्जी अटैक के साथ जा रहे हैं। गियर्स की बात कर ले तो यार सारे के सारे गियर्स 30 पे नहीं है, ओनली 3 गियर्स आर एट 30, एक 28 पे है, बहुत जल्दी ये भी 30 हो जाएगा। एंड ओडिन्स ब्लेसिंग अराउंड मैंने 5 ओडिन्स ब्लेसिंग दे रखे हैं। स्किल्स सारे के सारे लेवल 10 पे है। टाइप एनहेंसमेंट रैंक 5 है। फुली अवेकेंड हॉक्स आई आइसोसेट बोनस है। 3 स्टार आर्टिफैक्ट है, आयरन मैन का आर्टिफैक्ट मैं लेने वाला हूँ इस बार। एंड CTP ऑफ रेज है। यस, वी आर नॉट गोइंग विथ अ CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन, माइटी एनर्जी और एनीथिंग, CTP ऑफ रेज। यूनिफॉर्म ऑप्शंस में मेरे पास कुछ खासा यूनिफॉर्म ऑप्शन नहीं था, बट द यूनिफॉर्म इज एट मिथिक। साइक्लॉप्स पे यार CTP ऑफ इनसाइट है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग साइक्लॉप्स एज अ सपोर्ट, क्योंकि मेरे पास वॉर मशीन नहीं है। वॉर मशीन होता तो मैं उसका लीडरशिप इस्तेमाल करता इंस्टेड ऑफ स्टार लॉर्ड। सो हाँ, दैट इज इट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइज, लेट्स गो राइट इन टू वर्ल्ड बॉस लेजेंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन स्टेज 30। स्ट्राइकर्स सारे के सारे लीडरशिप वाले ले रखे हैं मैंने। रोटेशन की बात कर ले यार, तो रोटेशन बहुत ही सिंपल है आयरन मैन का। इट्स 2 cancel, 3 cancel, 4 delayed cancel इनटू द 5th स्किल। ABX में अलग रोटेशन है और मैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड में अलग रोटेशन प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अगर तुम थर्ड स्किल को प्ले आउट करते हो देन यू हैव अ हाइयर चांस दैट यू मे गेट वन शॉटेड बाई अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन के कुछ अटैक्स हैं जो ऑब्वियसली तुम्हें वन शॉट कर सकते हैं, वन शॉट नहीं तो 2 shot तो ज़रूर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वर्ल्ड बॉस लेजेंड में मेरा जो रोटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टीयर 3 की बात करें तो यार टीयर 3 डिलेड कैंसिल करना इनटू द 2 cancel 3 cancel 4 delayed cancel 5th में यार मेजोरिटी ऑफ द डैमेज बेस्ड है, सो उसमें ही कंसंट्रेशन रखना है। अल्ट्रॉन का यार सबसे अनॉइंग अटैक ये है, बिकॉज तुम कुछ भी नहीं कर सकते ऑप्टिमाइजेशन फेज को रोकने के लिए। वो रेड जो स्पीयर डाउन करता है उसमें भी तुम थोड़े बहुत अटैक्स कर सकते हो एंड यू कैन स्टॉप अल्ट्रॉन फ्रॉम गेजिंग दैट ऑप्टिमाइजेशन फेज। बट जो वो स्पीयर डाउन अटैक है ना यार, मतलब वो ब्लू वाला, कुछ नहीं कर सकते हो एंड इट इज़ सो लॉन्ग, आई डोंट नो वाई। सो अगर तुम्हारा लिटरली अगर तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन बार एकदम लो पे भी होगा ना, तब भी वो फुल बार तक पहुंचा देगा, दैट्स सो अनॉइंग। सो ऑप्टिमाइजेशन फेज उस सेंस में तुम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ऑप्टिमाइजेशन ब्रेक जल्दी कर सकते हो तुम अगर तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस है। 18 बार्स के करीब हम आ गए हैं, लेवल 80 आयरन मैन है यार, तो ऑब्वियसली द स्टेज वॉज नॉट वेरी टफ। मेरा फर्स्ट ही रन था एंड आई गॉट इट डाउन। 18 बार्स के करीब लेफ्ट है एंड अल्ट्रॉन अनॉइंग इसलिए ना यार, बिकॉज दीज अटैक्स डू नॉट अलाउ यू टू अटैक हिम, कोई भी तरीके से तुम उसे अटैक नहीं कर सकते एंड दे आर फ्रिकिंग लॉन्ग अटैक्स। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड 3 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, दे आर फ्रिकिंग लॉन्ग। आई स्टिल बिलीव अल्ट्रॉन इज़ द हार्डेस्ट वर्ल्ड बॉस लेजेंड। मैंने गौर वर्ल्ड बॉस लेजेंड प्ले किया, हाँ उसका अटैक ज़्यादा है, मतलब कि डैमेज ज़्यादा रिसीव करोगे, वन शॉट हो पाओगे, लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट अल्ट्रॉन इज़ द मोस्ट annoying and most difficult world boss legend of all. गौर यार मुझे उतना problematic नहीं लगा, defenses ठीक ठाक है गौर के। the only problem is to survive करना attacks को, और एक guide मैं बना रहा हूँ, उस पर एक detailed guide बनाऊँगा which characters how to perform and all, so उस पर भी video आ जाएगी। 8 bars के करीब left है, यहाँ मैं अपना tier 3 इस्तेमाल करूँगा and here we go, he did the annoying attack sphere down। थोड़ा बहुत अटैक कर सकते हो जैसे मैंने बताया, बट नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट फेज। अगर ये अटैक नहीं करता तो शायद वी वुड हैव डन इट, वी वुड हैव क्लियर्ड इट। सो आई कैन ईजिली गो अप टू स्टेज 34 तक मेरा आयरन मैन हो जाना चाहिए टीयर 4 होने के बाद। अगेन सुपीरियर आयरन मैन आई थिंक 40 तक हमें पहुँचा देगा। सो हाँ, वर्ल्ड बॉस लेजेंड पुश का जो चैलेंज है वो अभी भी जारी है। बात करें यार मेफिस्टो की, तो मैं मेफिस्टो में स्टेज 49 पे अटका हुआ हूँ। थोड़े बहुत चैलेंजेस मुझे करने हैं, 100 सेकेंड चैलेंज हो नहीं रहा है यार,
बहुत 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 ज़्यादा दुख है दुनिया में। सो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मुझे स्विच करना पड़ा बिकॉज ही वॉज डूइंग सम रियली अनोइंग अटैक्स। तो यहाँ साइक्लॉप्स, वाओ साइक्लॉप्स का बेस यूनिफॉर्म यार स्लो है थोड़ा आई मुझे बाद में पता चला। सो नाउ आई विल स्विच बैक टू आयरन मैन क्योंकि उसका मूवमेंट स्पीड अच्छा है। एक और अटैक एंड वी विल ब्रिंग हिम डाउन। टीयर 3 डिलेड कैंसल, 2 कैंसल, 3, 4 इनटू द 5th एंड देन डन। सो 1:52 टाइमर में बचे हुए थे तो ईजी पीजी, कोई बड़ी बात नहीं है। 19% पीएस अगर तुम सोच रहे हो तो रिवॉर्ड्स ठीक ठाक हैं। ओके सो अल्ट्रॉन आर्टिफैक्ट मिला मुझे, ऑब्वियसली स्टेजेस पे हैं, स्टेज 30 क्लियर, स्टेज 20 क्लियर, स्टेज 10 क्लियर पे हैं, स्टेज 40 पे भी होगा शायद। सो या गाइस दैट्स हाउ आई क्लियर्ड स्टेज 30 वर्ल्ड बॉस लेजेंड अल्ट्रॉन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट वॉज क्वाइट ईजी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।